नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दरभंगा में कोरोना से सुरक्षा व बचाव को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं को जागरूक किया गया, वहीं गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग भी की गई। देखिए, दरभंगा में कोरोना से सुरक्षा व बचाव को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने और जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण आज जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश के आलोक में दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र के पोषण क्षेत्र में संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर और आशा के द्वारा घर घर भ्रमण कर महिलाओं से संपर्क कर उन्हें COVID-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए किए जाने वाले उपाय के संबंध में जागरूकता की गई। उन्हें COVID-19 से बचाव के लिए लगातार साबुन से हाथ धोने, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा गया। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का भी काउंसलिंग किया गया। उन्हें बताया गया कि यदि किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत महसूस हो तो तुरंत अपने आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका या आशा को दूरभाष पर सूचित करें ताकि समय रहते आवागमन सहित अन्य व्यवस्था की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। DM के निर्देश अनुसार आप लोग जो कार्य कर रहे हैं अभी, जैसे बात पीट पे खाना पैकिंग करके भेजना और गर्भवती महिला को सहयोग करना, गर्भवती महिला का क्या निर्देश है आप लोग का, क्या सुझाव है उनके बारे में? गर्भवती महिला को हम लोग DBT THR के माध्यम से पोषाहार वितरण करते हैं। उसके बाद जब भी उसका LMP डेट पता चलता है कि प्रेगनेंसी रुकने का, घर जाकर उसके ग्रीव हार्मोन के दौरान उसको समझाते हैं कि कैसे किस प्रकार खान पान का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह 2 घंटा दिन में 8 घंटा रात में सोना चाहिए, शरीर के लिए ज़्यादा आरामदायक भारी काम नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए जो आरामदायक हो वो काम करना चाहिए, हरे साग सब्जी, हरे पत्तेदार साग सब्जी खाना चाहिए। जैसे कोरोना महामारी का वैश्विक महामारी चल रहा है, उसमें गर्भवती महिला का क्या निर्देश है? साफ़ सफाई के बारे में हम बताते हैं कि कैसे साफ़ सफाई रखना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के हमेशा रखें, कहीं भी जाए तो मास्क लगा के जाए, बारिश का समय है अभी, इस सबसे बीमारी ज़्यादा फैलता है, साफ़ सफाई ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, इसलिए साफ़ सफाई ज़्यादा रखें, मास्क का उपयोग ज़्यादा करें, अपने खुद भी करें, घर में सभी को मास्क लगाने की पहनने के लिए बोलें।